trust you. I know that I can trust you. हेलो गाइस, ब्रो की यारी में वापस आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। हमारे नए वीडियो में हमने सोचा क्यों ना ब्रो की यारी निभाया जाए और अपने जो दोस्त हैं उनका हिडन टैलेंट्स को दुनिया के सामने लाया जाए। इसी सोच के साथ हम चल पड़े अपनी फ्रेंड शैरन के घर उनका हिडन टैलेंट जानने। तो आइए चले शैरन को सरप्राइज दे, लेट्स गो। कम ऑन, हम अपने हिडन टैलेंट के घर पहुंच चुके हैं। तो आइए उन्हीं से जाने कि उनका हिडन टैलेंट है क्या। एक्सक्यूज मी, कोई है क्या? कोई है क्या? एक्सक्यूज मी, कोई आ नहीं रहा है, सब सो गए क्या लगता है। एक्सक्यूज मी, कोई है? हेलो, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। हम सब सब ठीक है, आप बताओ। सो हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल क्या, मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। ये तो हमारा काम है डिस्टर्ब करना लोगों को। तो आइए शैरन से जाने उनका हिडन टैलेंट। चलिए। तुम अपने हिडन टैलेंट मिस शरण के घर पहुंच चुके हैं और अब उन्हीं से जानेंगे कि उनका हिडन टैलेंट आखिर है क्या। तो मिस शरण, अभी आप क्या कर रहे हैं और आपका जो हिडन टैलेंट है आखिर वो है क्या? वेल, आई एम परसुइंग माय मास कम्युनिकेशन फ्रॉम गोसना कॉलेज और मैं इसे हिडन टैलेंट तो नहीं कहूंगी पर मुझे गाना अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, यही तो आपका हिडन टैलेंट है। तो हमारी जो मिस शरण है उनका हिडन टैलेंट है सिंगिंग करना। सो शरण, ये जो आपका टैलेंट है सिंगिंग करना, ये आपका पैशन है या आपके फैमिली में भी कोई सिंगर है? वेल, देखा जाए तो मेरे जो दादाजी थे वो वायलिन बजाते थे, मेरी जो दादी थी वो हारमोनियम बजाती थी। बचपन से वैसे ही एनवायरनमेंट में पली बड़ी हुई, मेरे कज़न सुबह सुबह रियाज़ किया करते थे। फिर स्कूल ज्वाइन करने के बाद आई गेस जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी तब मैंने स्कूल कोयर ज्वाइन किया। उसके बाद फिर काफ़ी सीखा स्कूल कोयर से, उसके बाद मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। और जब मैं अपने डैड को देखती हूँ तो बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर वो काफ़ी सारे मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, तो उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायर फील करते हैं। तो आपने कभी स्टेज परफॉर्मेंस या रियलिटी शोज में ट्राई नहीं किया? ट्राई किया था आई गेस 2011 या 12 में एक रियलिटी शो
की ऑडिशन यहाँ शेरवुड अकेडमी में हुई थी, तो मैं वही जो डांस इंडिया डांस का हुआ नहीं नहीं था? नहीं डांस इंडिया डांस नहीं, वो एक्चुअली एक सिंगिंग रियलिटी शो अच्छा था, तो वहाँ ट्राई किया था। उसके बाद फिर जिस चर्च से मैं बिलोंग करती हूँ उस चर्च के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो स्टेज परफॉर्मेंस तो चलता कोई है। ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो हमसे, क्या आपने कभी लाइफ में क्या हो जो आपको लगा हो कि हाँ ये मैं कभी नहीं भूल सकती? हाँ, ये एक बहुत ही मतलब जब मैं छोटी थी तो क्या हुआ कि हमारे चर्च में एक कन्वेंशन चल रही थी और फिर वहाँ कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे थे, तो मेरी बगल में मेरी मम्मी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि जाओ पार्टिसिपेट करो। तो उस टाइम स्टेज फेयर बहुत ही ज़्यादा था, तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना है। तो मेरी मम्मी मुझे लिटरली पोक करी थी, पिंच भी करी थी कि नहीं जाओ जाओ तुम्हें जाना है, तुम्हें गाना चाहिए तुम्हें गाना चाहिए। फिर मैं रोते रोते मैं स्टेज में गई, मैंने गाना गाया और फिर मुझे सेकंड प्राइज़ मिला। तो वाह बहुत अच्छी बात है, सेकंड प्राइज वो भी रोते रोते मिलना, हमें तो रोते रोते थर्ड भी ना मिले। सो गाइस बातें तो बहुत हो गई, अब हम इस शरण से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे लिए 2 लाइन गुनगुना दे। ज़रूर, तो मैम आपको कुछ एतराज़ तो नहीं? होना बिल्कुल नहीं। चाहिए था। वेल आई एम नॉट प्रो इन दिस, ये हाल फिलहाल में मैंने लिया है ये यूकेली, और अगर मुझसे गलती हो तो माफी। अगर इनका चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ब्रो की यारी, ये बंदे काफ़ी मेहनती है। लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब तो बिल्कुल से बनता ही है बॉस। यही।